मेरी हक हलाल की कमाई को अच्छी तरह से उड़ाया जा रहा है अपने रिश्तेदारों पे। सब देख रहा हूँ मैं यहाँ काम कर करके मरने वाला हो गया हूँ और तुम लोगों को अयाशियों से फुर्सत नहीं है। ये शकीला को क्यों आने देती हो मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर? खाला साहब बहन है मेरी, कभी कभी तो आती है, इतना भी नहीं करूंगी तो क्या सोचेंगी? अरे सोचती रहे जो सोचना है, मैं डरता हूँ उससे। वैसे भी मुझे नहीं पसंद ये अजीब चलता पुरजा किस्म की औरत है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये। ये घर हमारा भी है, जितना आपका हक है उतना हमारा भी हक है। इस घर पे हम अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला सकते। जबान तो बहुत चलने लग गई अभी तुम्हारी है? मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे ये रंग बिरंगे रिश्तेदारों से। समझियो, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है। मैं इज्जतदार और शरीफ आदमी हूँ। हाँ तो शकीला आपा कौन सी कम है, दुबई में रहती हैं, बेटे का कारोबार है इतना बड़ा और पैसा भी अच्छा खासा है उनके पास। जानता हूँ, आराम का पैसा है सारा। मुझे यकीन है कि ये माँ बेटा मिलकर स्मगलिंग करते हैं, इसीलिए तो आए होते हैं आए दिन यहाँ। अरे क्या बेच रहे हैं कमबख्त? आपसे तो बात करना ही। मेरा सामान पैक कर दो, मुझे 3-4 दिन के लिए कराची जाना है। कराची? खैर है, इस तरह अचानक क्यों? मुझे कहीं जाने के लिए तुमसे इजाजत दरकार है। शक्ल क्या देख रही है? बैग उतारो।